कैसे कह रहे हो नारियों को अबला करूं, कैसे कह रहे हो नारियों को अबला करूं। विभा जी देखिएगा, ये छंद मैं आपको समर्पित करता हूं। कैसे कह रहे हो नारियों को अबला करूं, शक्ति की स्वरूपा है जवानी बनी नारियां। कैसे कह रहे हो नारियों को अबला करूं, शक्ति की स्वरूपा है जवानी बनी नारियां। ममता मई है प्रेमा श्रद्धा भक्ति दयावती, त्याग बलिदान की कहानी बनी नारियां। व्यथा है नगर वधुओं के रूप में भी रही, शर्म है आंखों वाला पानी बनी नारियां। कैसे कह रहे हो नारियों को तालियां संभालिए, चौथी पंक्ति पे चाहिए बस सीधा बैठ जाइए। कैसे कह रहे हो नारियों को अबला करूं, शक्ति की स्वरूपा है जवानी बनी नारियां। ममता मई है प्रेमा श्रद्धा भक्ति दयावती, त्याग बलिदान का कहानी, त्याग बलिदान की कहानी बनी नारियां। व्यथा है नगर वधुओं के रूप में भी रही, शर्म है आंखों वाला पानी बनी नारियां। वक्त आ गया तो तलवार खींच खड़ी हुई, वीरांगना झांसी वाली रानी बनी। वक्त आ गया तो तलवार खींच खड़ी हुई वीरांगना। तब जाकर के यहाँ पर कोई एक विभा शुक्ला इतने सारे पुरुषों के बीच में अकेले इस विश्वास के साथ बैठती है कि कविता जीने वाले लोग, गांव के लोग और हिंदुस्तान के लोगों के बीच में बैठने से कभी कोई खतरा नहीं है। ये ईरान या अफगानिस्तान नहीं है, ये भारत है। और भारत की ये खूबसूरती है कि हम सबका सम्मान, सबको आदर देते हैं, ये हमारा संस्कार है। मैं विभा जी को सिर्फ नजीर बनारसी साहब का एक शेर पढ़ता हूँ, उनको दाव के सुखन देता हूँ, माइक तक जाए या फिर माइक उन्हीं तक पहुंचा दिया जाए। तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दमदार बनारसी है ही दमदार, जहाँ जाते हैं दमदारी दिखा ही देते हैं। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मानते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बनारस से आपके बीच में आई हूँ। सुंदर सुंदर कोमल कोमल रहता है, पहले लाइन में मजाक है। दमदार जी जब से आए हैं बहुत ज्यादा मजा ले रहे हैं और ये मजे की ही बात ज्यादा कर रहे हैं। इनके लिए मैं चार पंक्ति देना चाहूंगी कि हमारी आंख में अगर काजल न होता, हमारी आंख में अगर काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। हमारी आंख में अगर काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। उठा लेता मुझे भी कोई किसी दिन, जो मेरी नाम का पागल न होता। तब मैं अपनी बात रखती हूँ। अपनी बात क्या है कि दूसरे की सुनवाई नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। राजेश भाई की बात कर रहा हूँ मैं, आप अपनी बात सुना के निकल जाएंगे, दूसरे की सुनेंगे निकल के चले। मुखालिफ भी जबान पर देखना ताला लगा लेंगे, मुखालिफ विरोधी, मुखालिफ भी जबान पर देखना ताला लगा लेंगे। हमारे सब्र का जिस दिन वो अंदाजा लगा लेंगे, और वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम, वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम, ये कल जुड़े में कोई फूल फिर ताला लगा लेंगे। जी मैं माहौल बनाने की कोशिश, बहुत अच्छा, अच्छे से आप सुन भी रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। और कहते हैं कि सुनने वाला महान होता है, आप हमें झेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। और हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि हम क्या पढ़ के गए। तब अपनी बात कहते हैं, सुनिए आप। सुंदर सुंदर कोमल कोमल रहता है रहमत का एक, सुंदर सुंदर कोमल कोमल रहता है रहमत का एक गहरा बादल रहता है। तूफान उसको छूने से कतराते हैं, तूफान उसको छूने से कतराते हैं, जिनके सर पर मां का चल रहा है।
बातों से मैं डरती हूँ, बैठ के कदमों में मैं माँ की मैं अक्सर, बैठ के अपनी माँ के कदमों में अक्सर, जन्नत से जन्नत की बातें करती हूँ, जन्नत से जन्नत की बातें करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा माहौल बनाई थी। और मैं आती हूँ एक अपने गीत की तरफ आती हूँ, जिसमें आपको कविता भी मिलेगा, साहित्य भी मिलेगी और शायरी भी सुनने को मिलेगी। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा, आपके बीच में हूँ, आपसे ही हमारा काम बनेगा। जो बात अच्छी लगे वो मुझे ताले में मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ। अगर हंसना है तो जोरदार हंस दीजिए। क्या बात, स्वागत है। पढ़ती हूँ। आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपसे ही हर काम बने। आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपसे ही हर काम बने। सीता जैसी मिल जाएगी, पहले कोई पहले कोई राम बने। जो पावन प्रेम का रिश्ता समझे, प्रेम की परिभाषा जाने। जो पावन प्रेम का रिश्ता समझे, प्रेम की परिभाषा जाने। नाचे की राधा पन घट पर, नाचे की राधा पन घट पर, पहले कोई श्याम। नाचे की राधा पन घट पर, पहले कोई श्याम बने। तब अपनी बात कहती हूँ। यहाँ जो हमारे दिलजले कुछ मजनू टाइप के लोग बैठे होंगे अपने लाइफ में, उनके हवाले पढ़ती हूँ कि बदनामी से जो डरता है, ऐसी मोहब्बत ठीक नहीं। बहुत बढ़िया। बदनामी से जो डरता है, ऐसी मोहब्बत ठीक नहीं। प्यार में पागल होकर कोई मजनू सा बदनाम। प्यार में पागल होकर कोई मजनू सा बदनाम बने। और बात आती है कि जब दमदार जी ने कहा था कि हम नारियां रानी लक्ष्मीबाई हैं, दुर्गा हैं, काली है, सरस्वती हैं, लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन उन पुरुषों पे भी निर्धारित करता है ना, उनके व्यवहार पे भी, कि हमारा कौन सा रूप निकल के बाहर आएगा। तब अपनी बात कहना चाहूंगी कि जीवन के इस रंगमंच पर हम किरदार निभाते हैं। जीवन के इस रंगमंच पर हम किरदार निभाते हैं। मैं औरत हूँ दुनिया क्या जाने, मैं औरत हूँ दुनिया क्या जाने, क्या क्या हम अनजान बने। मैं औरत हूँ दुनिया क्या जाने, क्या क्या हम अनजान बने। अच्छा, अपनी कौमी एकता की बात कहना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मालिक के बंदे सब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मालिक के बंदे सब। भारत वर्ष है
धर्मों का भारत वर्ष है, सब धर्मों का एक अनोखा धाम है। भारत वर्ष है, सब धर्मों का एक अनोखा धाम बने। बहुत बहुत शुक्रिया। बात अगर श्रृंगार की होती है तो मैं कहना चाहूंगी कि दूर बैठी हो थोड़ा पास आ बैठो, दूर बैठी हो थोड़ा पास आ बैठो, लगी है दिल में आस आ बैठो, जान भी ले लो कबूल है लेकिन, पर मेरी राधा तुम ही उदास ना बैठो। तब मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। कान्हा रे तेरी याद में हद से गुजर गए, मीठी मीठी तालियों का साथ चाहूंगी श्रृंगार में, बहुत ही आनंद आएगा। कान्हा रे तेरी याद में हद से गुजर गए, कान्हा रे तेरी याद में हद से गुजर गए, जीती हूँ तुम्हें देख के तुम पे ही मर गए, जीती हूँ तुम्हें देख के तुम पे ही मर गए, तेरी नजर का तीर जो मुझ पे चल गया, तेरी नजर का तीर जो मुझ पे चल गया, जो मुझ पे चल गया, जो मुझ पे चल गया, आंखों की झील में बर गहरे उतर गई, आंखों की झील में बर गहरे उतर गई, अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हूँ आधार, अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हुआ धान कीजिए, मैं रुक्मिणी हूँ आपकी अधिकार है मेरा, मैं रुक्मिणी हूँ आपकी अधिकार है मेरा, अधिकार है मेरा, अधिकार है मेरा, अधिकार छीन के मुझे राधा न कीजिए, अधिकार छीन के मुझे राधा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हूँ। विभा जी एक निवेदन है, आप पढ़ते हुए उधर उंगली ना दिखाए, चंचल भैया सोचे तो वह नवरे के कंफ्यूजन है, देखिए धन्यवाद कर रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल जी को तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि चंचल जी वहाँ बैठे हैं, दमदार जी ने नाम लिया तब मुझे पता चला कि चंचल जी वहाँ बैठे हैं। देखिए नाम से चंचल है वो। तब मैं चंचल जी आपके हवाले ये पंक्तियाँ करती हूँ कि विभा के लिए आपका दीदार बहुत है, इतना ही सही आपका बस प्यार बहुत है, मीरा के लिए आपका दीदार बहुत है, इतना ही सही आपका बस प्यार बहुत है, केवल तुम्हारी याद ही मरने नहीं देती, केवल तुम्हारी याद ही मरने नहीं देती, मरने नहीं देती, मरने नहीं देती, हाँ विष्णु ने जो प्यार से स्वीकार, विष्णु ने जो प्यार से स्वीकार बहुत है, इतना ही सही आपका बस प्यार बहुत है। और दमदार जी बात अगर गजल की होती है तो मैं पढ़ती हूँ कविता सुनाई, लेकिन मैं एक गजल सुनाना चाहती हूँ आपके बीच में, एक बार इजाजत दीजिएगा, मैं खूबसूरत गजल आपके बीच में रखना चाहती हूँ। अब कहना चाहूंगी कि मिलाई है नजर तो नजारा भी दिखाई दे, जमाना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे, तड़प ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए, तड़प ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए, उधर धड़के तुम्हारा दे इधर धड़कन सुनाई दे। वाह। तब
ये काम तो कहीं डॉक्टर साफ कर सकते हैं। आला ही नहीं लग गया, धड़कन सुनने वाली मशीन ना भैया के लगे। जी मैं पढ़ती हूँ, अच्छी बात है, डॉक्टर लोग सुन सकते हैं दिल की धड़कन, इसमें कोई बात नहीं है, इनको पूरा लाइसेंस है धड़कन सुनने का। तब मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि जो बात अच्छी लगे वो आप भी हमें वहां से बोल दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं पढ़ती हूँ। मोहब्बत में मोहब्बत को सताना भी जरूरी है, मोहब्बत में मोहब्बत को सताना भी जरूरी है, अगर वो रूठ जाए तो मनाना भी जरूरी है, हमारा दिल कभी तेरी बहुत महसूस करता है, हमारा महसूस करता है कि अपने दिल में अब उनको बसाना भी जरूरी है, कि अपने दिल में अब उनको बसाना भी जरूरी है, मोहब्बत में मोहब्बत को सताना भी जरूरी है। अच्छी लग रही हो तो मुझे तालियों से बता दीजिए। तुम्हारी याद मुझको रात भर सोने नहीं देती, तुम्हारी याद मुझको रात भर सोने नहीं देती, भुलाना भी जरूरी है, कि अपने दिल से अब उनको भुलाना भी जरूरी है। तब अपनी बात कहना चाहूंगी कि बिछड़ जाए ना वो हमसे जिन्हें हम प्यार करते हैं, बिछड़ जाए ना वो हमसे जिन्हें हम प्यार करते हैं, बिछड़ जाए ना वो हमसे जिन्हें हम प्यार करते हैं, सलीके से उन्हें अपना बनाना भी जरूरी है, सलीके से उन्हें अपना बनाना भी जरूरी है। बंद पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि कोई आवाज देता है मोहब्बत में विवाह को, 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 कि उस आवाज की खातिर हमें आना जरूरी है, कि उस आवाज की खातिर हमें आना जरूरी है, अगर वो रूठ जाए तो मनाना भी जरूरी। बहुत बढ़िया।